देखो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये पता होगा तुम्हारा त्रिभुज होता है ठीक। त्रिभुज का निचला वाला होता है हिस्सा बेस, बेस मतलब आधार, और ये जो होती है ये होती है हाइट। जैसे तुम देखे होगे कई जगहों पे ऐसा कॉनिक शेप ऐसा बना होता है ठीक है, एलिवेटर टाइप का ठीक। तो एलिवेटर में देखे होगे सीढ़ी, सीढ़ी देखते हो तो जब हम ऐसे करके दीवार पे सीढ़ी ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे करके सीढ़ी लगाते हैं कि नहीं लगाते, ये सीढ़ी हो गई। तो दीवार का ये पोजीशन और ये वाला पोजीशन दोनों सेम होता है ना ठीक। अब सीढ़ी जिस पे लगी है ठीक, जहां नीचे रखी गई है सीढ़ी और जहां दीवार का बेस है उसको क्या कहेंगे, आधार। और ये वाला यानी ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई या हाइट ठीक है, ऊंचाई या हाइट। सेम कंडीशन होता है अगर त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार ऊंचाई गुणे ऊंचाई बराबर 1/2 बेस एक। अब ये निकलता कैसे, सब लोगों को लगता है ना त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज, आज मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ कहाँ से निकलता है। ये चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज सब लोगों ने देखा होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर जो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई आपका ये हो गया और चौड़ाई ये हो गया, तो लंबाई ये होगा तो ये भी लंबाई होगा और चौड़ाई ये होगा तो ये भी चौड़ाई होगा, यानी ए बी सी डी ठीक। अब अगर जो हम इसका आधा कर दें, क्या कर दें, यानी इसके जो विकर्ण होते हैं क्रॉस वाली एरिया इसको हम ऐसे मैच कराते हैं, यानी ए को सी से, तो ये देख रहे होगे ये और ये भाग दो अलग भाग में बट गए ठीक, लेकिन ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है ठीक है। तो अगर जो हम चतुर्भुज का आधा करें तो क्या बनेगा, त्रिभुज, त्रिभुज ठीक है, त्रिभुज बनेगा ना। तो त्रिभुज जो बना तो हमारा क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस वाले का 1/2 यानी आधा गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई ठीक। अब आधा गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हमारा क्या हो गया, क्योंकि नीचे की साइड में है तो क्या हो गया, आधार, और चौड़ाई क्या हो गई, इसकी ऊंचाई। यहां से निकलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद रहेगा सबको।